मथुरा में दोहरे हत्याकांड का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना में दो सगे भाई को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और तीसरा भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। परिवार में इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है। चलिए दोहरे हत्याकांड का पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल मथुरा के थाना शेरगढ़ के गांव पैंगाँव में जमीनी विवाद के चलते दो भाई सुखवीर और राजेश के बीच विवाद होने लगा। देखते ही देखते विवाद इतना बड़ा कि सुखवीर ने बंदूक निकालकर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस फायरिंग में परमार के पुत्र राजेश व रतन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा पुत्र रण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोहरे हत्याकांड की जानकारी मिलते ही एसएसपी, एसपी देहात, सीओ छाता सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी सुखवीर फरार हो गया था। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायल रण सिंह को इलाज के लिए कोसी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी सुखवीर की तलाश जारी है। जनपद मथुरा के थाना शेरगढ़ के पैगाँव में शाम में 7:30 के आसपास एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर आकर जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि यहाँ पर दो परिवारों के बीच में एक प्लॉट को लेकर काफ़ी समय से कोई विवाद चला आ रहा है। उसी में जो मृतक पक्ष हैं उनके लोग जो अभियुक्त पक्ष के घर पर आए थे वहाँ पर विवाद हुआ, फायरिंग हुई, जिसमें कि मृतक पक्ष के दो व्यक्तियों को गोली से घायल हुए, जिनके नाम रतन और राजेश हैं, उनकी दोनों की मृत्यु हो गई है। इस पक्ष के दो और व्यक्तियों को चोटें आई हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। हमारे द्वारा सभी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा मौके का मुआयना कर लिया गया है और फॉरेंसिक टीम द्वारा भी सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जो वादी पक्ष है उससे तहरीर ली जा रही है, तहरीर लेकर के उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। कुछ संदिग्धों से भी इसमें पूछताछ हो रही है। तहरीर के आधार पर और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर इस समय पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इस समय पर यहाँ पर शांति है और शांति बनाए रखने के लिए यहाँ पर सभी उचित प्रयास किए जा रहे हैं। सर, किसी की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी तक कुछ संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। तहरीर के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है बहुत जल्द ही इसको अमल में लाया जाएगा। सवा 365 के लिए मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।